हाय एवरीवन, हाउ यू डूइंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड आई एम श्योर कि आपके मुंह में ऑलरेडी पानी आ चुका होगा इसे देख के। सो ये है जलपाई, इसे इंडियन ऑलिव्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स नोन एज जलपाई और जलपाई। एनीवेज, सो आज के वीडियो में इसका भरता रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी डिश है। सो सबसे पहले मैंने जलपाई को लेके इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है, प्लेट्स भी लगा लिया है। एंड अभी इस जलपाई को मैं थोड़ी सी नमक डाल के इसको उबालूँगी। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉयल नहीं करना है हमें, जस्ट थोड़ा सा हार्ड बॉयल करना है ताकि हम अच्छे से हाथों से इसे तोड़ सके, उतना ही बॉयल करना है हमें। सो मैंने बॉयल कर लिया है जलपाई को एंड इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था मैंने। अभी इसको मैं हाथों से तोड़ लूँगी। आप देख सकेंगे कि मैं इसे एंटायरली मैश नहीं कर रही हूँ, जस्ट तोड़ रही हूँ इसको, क्योंकि आप एंटायरली मैश करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है खाने में एंड फ्लेवर्स भी ख़राब हो जाती है इसकी। सो इसी तरह से मैं सब जलपाई को अच्छे से हाथों से तोड़ लूँगी। अच्छे से तोड़ लिया है मैंने इससे। अभी बारी है मसालों की। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी नमक डाला हुआ है मैंने। अभी 2 हरी मिर्च ले रही हूँ और ढेर सारा सरसों का तेल, मजाक कर रही हूँ, जस्ट 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। फिर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। इसके बाद ये जो ग्रीन चिली देख रहे हैं, मिर्ची, इसको मैं अपने हाथों से अच्छे से तोड़ लूँगी। अगर आपके हाथों में जलन सी होती है मिर्ची को ऐसे तोड़ने में, आप चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन असली मज़ा तो इसे ऐसे हाथों से मसलने में ही है, क्योंकि वो जो फ्लेवर्स बर्स्ट होते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अ ग्रीन चिली कुड गिव इन अ भरता। सो इसे अच्छे से मैश करने के बाद, आई मीन क्रश करने के बाद, हम अच्छे से इस भरता को हाथों से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एंड यही है एक अच्छे भरता का सीक्रेट, कि इसे अपने हाथों से अच्छे से मिलाना। आप चाहे तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक भरते में जो हाथों का स्वाद है वो स्पून नहीं दे सकती है, इट कैन नॉट रिप्लेस। सो मैं रिकमेंड करूँगी हाथों से इसे अच्छे से मिला लीजिए टू गेट दैट ऑप्टिमम टेस्ट ऑफ द भरता। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं भूल चुकी थी डालना, वो है सूखी लाल मिर्च को मैंने भून लिया था थोड़ा सा, मतलब बर्न कर लिया था, एंड आई एम एडिंग इट नाउ। आप पहले ही ऐड कर देना इसे। सो मैं दोबारा से इसे मिला लेती हूँ इस रेड चिली के साथ। सो हमारा जलपाई भरता रेडी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लिप स्मैकिंग एंड इट्स वर्थ ट्राइंग। इससे पहले कि जलपाई सीजन ख़त्म हो जाए आप ज़रूर ट्राई करना इसे, बहुत ही डिलीशियस है। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीट, टैंगी एंड सो फ्लेवर, एंड आप ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है ये। इसे एडिट करते वक्त भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है टू बी फ्रैंक, एंड आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में। सो इतना ही है आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई थिंक मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जलपाई रिलेटेड रेसिपी वीडियो है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।